अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नुमान ज़फ़र एंड दिस इज़ अवर सिक्स लेक्चर ऑफ रीअरेंजमेंट। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट और एप्लीकेशन है हॉफमैन रीअरेंजमेंट की, वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्फैटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस, के हम एल्फैटिक और एरोमेटिक अमाइंस बना सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास हम कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ करते हुए किस तरह, अगर हम अपना स्टार्टिंग डिलर कार्बोक्सिलिक एसिड रखते हैं तो हमारा प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन हो सकती है बाई हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड लें, एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसमें हमने Br2 और Br3 की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया, तो पैराऑक्सीजन पे Br एक ग्रुप अटैच हो गया। जब पैराऑक्सीजन पे वाला ग्रुप अटैच हो गया तो हमने अगेन इसका रिएक्शन करवाया SOCl2 और NH3 की मौजूदगी में। हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था COOH, तो वहाँ पे OH की रिमूवल हुई और CONH2 ग्रुप अटैच हो गया। तो उसके बाद हमने क्या किया, Br2 और KOH जो कि हमारे पास बेस है KOH, उसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाया। जैसा कि आपने पीछे भी जो मैकेनिज्म देखा, सेम वही मैकेनिज्म होगा और हमारे पास अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड जो एग्जांपल है हम देख रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अमाइन एनिलीन एंड बेंजाइल इमाइन ETC, कि हम यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अमाइन की फॉर्मेशन यूज़ कर बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम CH3 CONH2 एज ए अमाइड यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल, तो हम Br2 और KOH जो है, ये Br2 हमारा एक रिएजेंट है और KH2 KOH बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास CH2NH2 जो है वो हमारा अमाइन बन रही है। इसका मतलब ये सब जो रिएक्शन लिखे हुए हैं सारे सेम रिएक्शन हैं, इनमें सिर्फ बात यह है कि हम एक कार्बन की रिमूवल होगी, CO जो हम ले रहे हैं वो रिमूवल होगी और बाकी सेम चीज़ वही रहेगी। जैसे कि C6H5 है तो वही C6H5 और NH2 हो जाएगा, दरमियान से CO जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसकी ट्रिक ये है कि अगर आप रिएक्शन को वैसे याद करना चाहते हैं रिएक्शन आ जाए, तो यहाँ से जो CO ग्रुप होगा आपका, आपने जस्ट लिखना हो तो आप जो कार्बन CO ग्रुप है इसको रिमूव करवा दें और बाकी अपना सेम टू सेम वैसे लिख दें। जैसे कि आप नेक्स्ट देखें C6H5CH2, अब यहाँ से फिर CO जो है इसको रिमूव करवा दें और NH2 अपना इमाइन बना दें। अब NH2CONH2 यहाँ से भी क्या होगा, ये यूरिया है, यूरिया से भी कार्बन मोनो CO जो ग्रुप है इसको रिमूव करवाएं और करवाने के बाद हमारा जो अमाइन है NH2NH2 फॉर्मेशन हो जाएगी।